बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल से पुलाव। ग्रीन वाला ग्रीन पुलाव होगा, जिसके लिए सब्ज़ मिर्ची हैं, प्याज है, टमाटर हैं तीन बड़े लंबाई में कटी हुई, गाजर है, मटर है, आलू है। एक ये वाली कटोरी डेढ़ वाली चावलों की है, और ये चावल आधा पौना घंटा पहले पानी में अच्छी तरह से साफ करके भिगोए हुए हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्याज को इस तरह से बड़ा बड़ा काट के ब्राउन करके निकाल लूंगी। ये वाला कप घी का डालेंगे, एक कप घी का हो गया। अब प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी, प्याजों को घी में से इस तरह से इस प्लेट में निकाल लेंगे प्याज को। एक चम्मच नमक का डाल के प्याजों को फ्राई किया था गोल्डन। अब इसमें ये लहसुन डालेंगे कटा हुआ क्यूब में, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें सब्जी डाल के फ्राई करेंगे। अगर इसी तरीके से आप ग्रीन वेजिटेबल पुलाव बनाओगे तो बहुत मज़े का पुलाव तैयार होगा आपका। स्टेप बाय स्टेप देखा करें रेसिपी को। अब इसमें ये वाली सब्जी डाल देंगे, इसमें लेमन के स्लाइस भी कटे हुए हैं। ये कूटी हुई मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, एक चम्मच है छोटे वाला कूटा हुआ। धनिया डालेंगे एक चम्मच, और साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें बादियान का फूल भी आ गया, लौंग भी आ गया, तेज़पात भी आ गया और ज़ीरा भी आ गया, एक दालचीनी का टुकड़ा भी आ गया। अब सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, उसको अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंड कर लिया, फिर वो डालेंगे। सब्जी अच्छी तरह से भुन चुकी है, उसने घी छोड़ दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे दो चम्मच और तीन चम्मच, एक चम्मच उसमें भी डाला हुआ था प्याज में फ्राई करते वक्त, वो भी घी के अंदर ही था। टोटल चार चम्मच नमक के हो गए। अब इसमें ये ग्रीन वाला पेस्ट डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनियों का, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ये तीन कटोरियां पानी की डाल देंगे, और पानी को उबाल आने देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। कवर हटा लिया, ऊपर से पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें ये चावल डाल देंगे जो भीगे हुए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जो साथ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे पानी के खुश्क होने तक। बहुत ही मज़े का वेजिटेबल पुलाव तैयार हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन पुलाव है। अब ऊपर से कवर लगा देती हूँ पानी के खुश्क होने तक। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इनको दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये जो प्याज है ब्राउन किए हुए, आधे इसके ऊपर डाल देंगे और आधे गार्निश में डालेंगे। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रीन पुलाव तैयार होगा अगर आपने इसी तरीके से बनाया तो। अब मैं ऊपर से कवर लगा दूंगी इसको 15 मिनट के, 10 से 15 मिनट के लिए। चावलों को दम लगा दिया है, फिर मैं आपको दम आने के बाद डिश आउट करके दिखाऊंगी। चावलों का कवर हटा लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से दम आ चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चावलों को बहुत ही मज़ेदार ग्रीन पुलाव तैयार हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रीन पुलाव तैयार हो गया। इसको बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखा करें, लाइक्स और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें।